अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आयशाज़ किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार कद्दू टमाटे का सालन की रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कुकर में हाफ कप तेल ले लेंगे और इसमें एक कटी हुई प्याज लेंगे। अब हम इसमें दो बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें तीन कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। अब हम इसमें दो हरे मिर्च ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। अब हम एक मीडियम साइज का कद्दू को कट करके इसमें ऐड कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा कोथमीर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 विजल आने तक पकने देंगे। 2 विजल आने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब हमारा कद्दू टमाटे का सालन रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा आसान और मज़ेदार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।